नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वामी स्वागत करता हूं आपका दक्ष ऑनलाइन शिक्षा सेंटर पे। और जैसे कि अपन डेली प्रखंडे .org की जो वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर अपलोड किया जाता है उसका अपन जैसे डेली डिस्कशन करते हैं मैथ और साइंस वाला पोर्शन, तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो रिट लेवल सेकेंड के साइंस वाला जो पोर्शन है उसको अपन आज उस चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैंने रिट लेवल फर्स्ट के 41 नंबर, 40 नंबर और 42 नंबर जो मॉडल पेपर है वो अपने डिस्कस कर लिया, उसमें मैथ वाला जो पोर्शन है उसको अपने डिस्कस किया था। और साइंस का जो 29 नंबर है मॉडल पेपर है वो अपने डिस्कस कर लिया था। आज 27 नंबर मॉडल पेपर जो है उसमें साइंस का पोर्शन को आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति का प्रमुख तत्व होता है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है उसका प्रमुख तत्व एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड होते हैं। देखो बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो है वो एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड यानी ग्लूकोज के जो बहुलक होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनमें एन ए जी और एन ए एम इनमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, बाकी इसमें चीज यही है एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड दोनों में पाए जाते हैं। बात इसमें अगर ऑप्शन पे चर्चा करें तो सेल्यूलोज जो है वो पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, काइटिन जो है वो फंजाई की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, पेक्टिन जो है वो पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पेक्टिन का कार्य है कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना, जैसे सूर्य का प्रकाश और पानी वगैरह से इसकी रक्षा करना। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एल्गी जो है एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एल्गी में। और एक चीज और बताऊं आपको, जो एल्गी जो फंजाई होता है उसमें जो भोजन स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के रूप में जो फफूंद जो जिसको बोलते हैं फंजाई उसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पर्ण विन्यास होता है। देखो पर्ण विन्यास क्या चीज है, पौधे के ऊपर पत्तियों की व्यवस्था का ढंग ही पर्ण विन्यास कहलाता है। इसके अलावा इजी क्वेश्चन है ये, तो इसके अलावा एक चीज और है जिसको बोलते हैं केनोपी। केनोपी किसे बोला जाता है, देखो ये कोई पौधा हो गया और इसके ऊपर ये टहनियां हो गई, तो इसकी टहनियों की जो व्यवस्था होती है जितने क्षेत्रफल पे ये टहनियां इसको यानी कि ये टहनियां जो है जितने क्षेत्रफल को कवर करती हैं उसी को केनोपी बोला जाता है, यानी पौधे के ऊपर शाखाओं की व्यवस्था का क्रम जो है वो केनोपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण का उत्पाद क्या है। देखो ऑक्सीशोषण जो है उसका उत्पाद इनमें से अगर देखें तो एथिल अल्कोहल नहीं है, पाइरुविक अम्ल नहीं है और लैक्टिक अम्ल नहीं है, तो इसका उत्पाद हो जाएगा मेलिक अम्ल। अब बात करते हैं वो श्वसन की, तो कोशिका में श्वसन दो प्रकार से होता है, ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जबकि अनाक्सीशोषण जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। ऑक्सीशोषण जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें जो मेलिक अम्ल है इसका निर्माण होता है। ऑक्सीशोषण जो क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है उसके अंदर ऑक्सीशोषण होता है। अब ये पाइरुविक अम्ल की बात करें तो पाइरुविक अम्ल जो है जब साइटोप्लाज्म में अनाक्सीशोषण चलता है तो उसमें एक ग्लूकोज से दो पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और ये पाइरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन की इसको सप्लाई मिल जाती है और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित होता है तो वहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है और उधर ये मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल मनुष्य की मांसपेशियां जो होती हैं उसमें जब मनुष्य एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यह भी ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही इसका निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल जो है वो जीवाणु जो कोशिका है उसमें जब ग्लूकोज
का ऑक्सीकरण होता, अनाक्षी शोषण होता है, तो उसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, या भी अपन बोले कि किण्वन किण्वन की जो क्रिया है उसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है टिटनेस रोग किसके कारण होता है। तो टिटनेस रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम टिटेनी से होता है और ये एक जीवाणु होता है। टिटनेस रोग को लोकजा भी बोला जाता है, इसके अलावा इसको इमरजेंसी डिजीज भी बोला जाता है। देखो टिटनेस का जो ये माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी जो जीवाणु है ये मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जब अपने शरीर के लग जाती है कोई कील वगैरह तो उसके उससे ये बैक्टीरिया जो है वो अपनी शरीर में प्रवेश कर जाता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इस रोग से मांसपेशियां जो है उनमें अकड़न आ जाती है और शरीर जो है वो धनुषाकार हो जाता है, इसलिए इस रोग को धनुष टंकार भी बोला जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी डिजीज लोकजा इनको इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संरचना नर में सहायक जन ग्रंथि है। तो नर में सहायक जन ग्रंथि इनमें से प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो नर की जो जनन ग्रंथियां हैं उसमें सहायक ग्रंथि के रूप में काम आती है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उससे तरल पदार्थ लसीला पदार्थ जो है वो स्त्रावित होता है। जठर ग्रंथि जो है वो अपने आमाशय में पाई जाती है और जठर ग्रंथि से स्त्रावित रस को जठर रस बोला जाता है, जिससे HCl, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस ये स्त्राव होते हैं। इनका कार्य क्या है, HCl का जो कार्य है जब अपन भोजन को चबाते हैं तो भोजन के साथ में बैक्टीरिया वगैरह भी प्रवेश कर जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम HCl का होता है। पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना और रेनिन का कार्य है दूध का पाचन करना और म्यूकस का कार्य है ये जो HCl है ये आमाशय की कोशिका को नष्ट नहीं करते, इसलिए म्यूकस जो है उसका स्त्राव किया जाता है, यानी ये आमाशय की कोशिकाओं को HCl से बचाता है। अब बात करते हैं मशरूम काय ग्रंथियां, ये थायराइड ग्रंथि ही होती है। अगला जो इसमें है वो है जठर ग्रंथि हो गया, ये है वर्षण ग्रंथि। वर्षण ग्रंथि मनुष्य में पाई जाती है और वर्षण ग्रंथि तो है ये दो जोड़ी संख्या में दो जोड़ी के रूप में शरीर में पाई जाती है। इसमें सीरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती हैं और सीरुमिनस ग्रंथियां जो होती हैं उसके अंदर अंतराली कोशिकाएं जिन्हें लीडिंग सेल भी बोलते हैं, जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्त्राव किया जाता है, जो मनुष्य में द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। देखो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से उसी स्थिति में चलती है जब उसका पेंडुलम जो है उसका आकार थोड़ा छोटा हो जाए, और ये कार्य इसका आकार जो है वो सर्दियों के टाइम पे पेंडुलम जो है उसका आकार थोड़ा सिकुड़ जाता है और गर्मियों के टाइम पे इसकी लेंथ जो है वो पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाती है। इस वजह से गर्मियों के टाइम पे पेंडुलम घड़ी जो है वो सुस्त पड़ जाती है और सर्दियों के टाइम में ये जो है घड़ी जो है वो थोड़ी तेज चलने लग जाती है क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। देखो प्रसारी विश्व की संकल्पना क्या है, इसके अनुसार बोला गया है कि ब्रह्मांड जो है वो हमेशा बढ़ रहा है, यानी ब्रह्मांड जो है वो लगातार उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये प्रभाव डोपलर प्रभाव कहलाता है। देखो इस प्रभाव के अनुसार बोला गया है कि जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है तो जो जो प्रकाश की किसी जैसे अपन यहाँ पे खड़े हैं और इस प्रकाश की जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ती जाएगी तो इसकी आने वाले प्रकाश जो है उसकी आवृत्ति कम होती जाएगी, और अगर आवृत्ति कम हो जाएगी तो ये प्रकाश जो है वो अपना जो विप्योर जो अपन स्केल लेते हैं उसमें लाल प्रकाश जो है उसकी आवृत्ति कम होती है और इधर बैंगनी जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति कम होती है, यानी ये जो प्रकाश आता है ये इसकी आवृत्ति कम होती जाती है और ये रेड जो लाइट है उस पर शिफ्ट होता जाता है, इसको रेड शिफ्ट भी बोला जाता है। तो इस प्रकार अपन लाल प्रकाश से ये निर्धारित करते हैं कि ब्रह्मांड जो है उसका लगातार विस्तार हो रहा है, उसको रेड शिफ्ट भी बोला जाता है। दूसरा डॉपलर प्रभाव ये तो हो गया विश्व
कि प्रसार की संकल्पना पर आधारित। दूसरा डोपलर इफेक्ट जो आता है वो ध्वनि का जो चैप्टर है उसमें भी डोपलर प्रभाव आता है। उसमें डोपलर प्रभाव का अर्थ क्या है कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत और जो श्रोता है उसके बीच में आप सापेक्षिक गति या आपेक्षिक गति जब होती है तो ध्वनि जो है वो उसकी मूल आवृत्ति है उसकी बजाय अपने को कम आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है। इसी को डोपलर प्रभाव, ध्वनि का डोपलर प्रभाव कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपन स्ट्रोक प्रभाव। स्ट्रोक प्रभाव क्या चीज है? स्ट्रोक प्रभाव देखो, जब कोई प्रकाश इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने 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 मतलब मूल प्रकाश की बजाय अपने भागों में विभाजित हो जाता है। इसी को स्ट्रोक प्रभाव बोला जाता है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रकाश का विभाजन स्ट्रोक प्रभाव कहलाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है इसमें जीवान प्रभाव। जीवान प्रभाव जब प्रकाश चुंबक के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी वजह से जब ये विभाजित हो जाता है तो उसको जीवान प्रभाव बोला जाता है। रमन इफेक्ट क्या है? जब रमन इफेक्ट ये है कि जब प्रकाश किसी ठोस या तरल पदार्थ में प्रवेश करता है तो यहां से जब वो निकलता है तो इससे अलग अलग प्रकाश के रंग निकलते हैं। यानी इस स्थिति में यह प्रकाश विभाजित हो जाता है। इसको बोला जाता है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट जो है पदार्थ की क्रिस्टलीय अवस्था यानी क्रिस्टल जो है उसकी संरचना का अध्ययन करने में प्रकाश रमन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये भारत के वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इस रमन प्रभाव के आधार पर। और इन्हीं जो रमन जो वैज्ञानिक हैं उनकी याद में ही 28 फरवरी जो है वो विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है क्योंकि ये शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे पसीना सोख लेते हैं। चौथा है वे आंखों को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। सफेद कपड़ा जो है वो प्रकाश जितना प्रकाश ऊपर उस पर पड़ता है उसको परावर्तित कर देते हैं। इस वजह से सफेद कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए और काला कपड़ा जो है वो जितना भी प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेता है, इसलिए गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से 85 डेसिबल जो है वो करीब करीब सही मानी जा गई है। बाकी WHO के नियमानुसार 60 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य के कान के लिए उपयुक्त है। इससे ज्यादा की जो ध्वनि है वो विकार पैदा कर देती है, यानी उससे मानसिक संतुलन जो है वो आदमी का बिगड़ जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाहन चालन हेतु पक्ष दृश्य दर्पण होता है। देखो वाहन के पीछे जो दर्पण लगा होता है, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण उत्तल दर्पण लगा होता है, और वाहन में जो हेडलाइट होती है वो अवतल दर्पण, उसमें अवतल दर्पण होता है। साधारण दर्पण जो होता है वो जो सेविंग के लिए काम में आने वाला शीशा जो होता है वो साधारण दर्पण होता है। वो प्रतिलोमित दर्पण जो होता है वो वस्तुओं को उल्टा करके दिखाता है। इस प्रकार ये वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैन में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। यहां अगर बात करें, एक्स रेज के खोजकर्ता रोंजन है, एक्स रेज के खोजकर्ता रोंजन, गामा रेज की खोजकर्ता है बेकुरल, अल्फा रेज के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। अल्फा रेज जो होती है उसको पॉजिटिव यानी धनावेश तरंगे भी बोला जाता है। न्यूट्रॉन किरणें जो है इनके खोजकर्ता कौन है? चैडविक। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामान्यतः एक बहुएमाइड कहलाता है यानी पॉलीएमाइड CONH2। इसका फॉर्मूला होता है CONH2 एमाइड CONH2। तो इसमें ऑप्शन अपन देखते हैं, पॉलीएमाइड कौन सा है? रेयन, टेरिलिन, नायलॉन और आर्लॉन। आपको ये दिया है तो यहाँ पे नायलॉन जो है वो एक पॉलीएमाइड है, रेयन जो है ये सेलुलोज का बहुलक है, टेरिलिन जो है वो पॉलीएस्टर का बहुलक है, और आर्लॉन जो है वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं,
डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है? तो डब्ल्यू का विस्तृत रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आविष्कार टिम बर्लंस डी जो है उसने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ये ओके है एकदम। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। यहाँ पे शनि आएगा, शनि जो है वो सबसे धीमा ग्रह है। शुक्र जो है उसको लाल ग्रह बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है उसको लाल ग्रह बोला जाता है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है इसलिए ये लाल दिखाई देता है। शुक्र जो है वो सांझ या शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे, ये सूर्यास्त और सूर्य उदय के टाइम पे ये अपने को दिखाई देता है। बुध जो है वो सबसे पास का ग्रह है सूर्य के। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो प्रत्येक पूर्णिमा को इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पृथ्वी और जो चंद्रमा है उनकी कक्षा पथ जो है उसमें 5 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक यौगिक का एक अणु, ये सही है क्योंकि यौगिक जो है वो अणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे CH4 जो है, CH4 इसमें कार्बन का अणु हाइड्रोजन के अणु ये मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। एक तत्व का एक परमाणु, ठीक है ये भी सही है क्योंकि तत्व जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक तत्व में कई सारे परमाणु पाए जाएंगे। जैसे अगर बात करें ऑक्सीजन का तत्व O2 है जो, तो इसमें ऑक्सीजन के ही परमाणु पाए जाएंगे ऑक्सीजन के तत्व में। एक तत्व का एक अणु, ये गलत है क्योंकि होता क्या है, अणु का एक तत्व हो सकता है, तत्व का एक अणु नहीं होता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोरतम धातु है, बाकी टंगस्टन जो है उसका सिंबल होता है W, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इनमें हाइड्रोजन, सिलिकन, ऑक्सीजन और कार्बन, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है भूपरपट्टी पर। इसके बाद अगर बात करें तो सिलिकॉन जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और सिलिकन के बाद में अगर बात करें तत्व धातु की तो एल्यूमिनियम जो है वो धरातल पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु है, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है, हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का ताप बढ़ना, बढ़े हुए ताप में सब्जियों और फूलों का उत्पादन, शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर ये आएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, यहाँ पे ये सूर्य है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करता हुआ जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो यहाँ धरातल से टकराने के पश्चात ये वापिस बाहर निकलता है वायुमंडल से। तो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं अगर उन गैसों की मात्रा बढ़ जाए, जैसे बात करते हैं अपन CO2 की, मीथेन की या फिर जलवाष्प की, ये जो गैसें हैं इनकी मात्रा जब यहां बढ़ जाती है तो ये प्रकाश वापिस बाहर नहीं निकल पाता, ये प्रकाश यहीं पे घूमता रहता है, इस वजह से यहाँ का जो तापमान है उस तापमान में वृद्धि हो जाती है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके ट्रिक भी बताई थी, इसकी ट्रिक है ग्रीन हाउस गैसेज और मीना का जलवा, तो मीना से मीथेन हो जाएगा, का से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा, और मीना में जो ना आता है उससे नाइट्रेट होता है, तो ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, CO2, जलवाष्प और नाइट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, मुक्त ब्रोमीन निकलती है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से अपसीकृत हो जाता है, विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो इसमें आंसर ये है, सोडियम थायोसल्फेट जो है
वो फोटोग्राफी में फिक्सेशन के रूप में काम आता है, इसको हाइपो भी बोला जाता है। तो फोटोग्राफी के फिक्सेशन के लिए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये आपके 20 क्वेश्चन साइंस के सोल्व हो गए। और वीडियो जो है, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, जिनको जरूरत है, जो कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इस प्रकार अपन डेली जो मैथ और साइंस का जो पोर्शन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये जो प्रगण्य प्रकाशन है इसकी वेबसाइट पे डेली अपलोड होते हैं, इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको डेली सॉल्व कीजिए, काफी अच्छा मेटेरियल है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।